जम्मू कश्मीर में अगर हेल्थ सेक्टर में बात करें तो हर रोज़ नए नए जो हैं वो आयाम हासिल हो रहे हैं। और सरकारी सेक्टर में अगर बात करें तो जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है पहला ऐसा हॉस्पिटल में बन गया है जिसमें इमरजेंसी कोर सिस्टम जो है वो अब जल्द ही शुरू होगा। आपको बता दें कि किस तरीके से ये काम करेगा। आपको ये भी बता देते हैं कि हॉस्पिटल इमरजेंसी कोर्स का क्या मतलब होता है। असल में हॉस्पिटल के अंदर कई बार इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है, चाहे वो किसी पेशेंट से पेशेंट के उसमें हो, पेशेंट के ज़रिए हो, या फिर कहें कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाती है, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो या किसी पेशेंट को इमरजेंसी कुछ ऐसी हो जाती है, तो किस तरीके से सारा काम जो है वो जल्द से जल्द उसी को लेकर जो है हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड सिस्टम ये बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग कोड जो है, जैसे अगर किसी पेशेंट को जो है कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो उसके लिए कोड ब्लू जो है वो रखा गया है। और कोड रेड यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल में फायर इंसिडेंट्स होता है या फिर इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चों को जो है वो चाइल्ड एडिक्शन हो या फिर वायलेंट पेशेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अलग अलग देखिए। यहाँ पर सिर्फ जो सिचुएट्स बटन्स जो हैं वो लगाए गए हैं। ये काम किस तरीके से करेगा, फिलहाल इसके लिए टीमें भी तैयार की जाएंगी ताकि जो अगर जिस तरीके की इमरजेंसी है जो टीम बनाई जाएगी वो जिस भी कोने में होगी, अगर किसी और हॉस्पिटल में भी होगी तो वो तुरंत उस मौके पर पहुंच जाएगी। तो फिलहाल ये एक अच्छा कदम भी माना जा सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि इमरजेंसी के दौरान जो है परेशानी होती है, जो टीम है या फिर जो स्टाफ है उसे बुलाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे में इसको बनाया गया है हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है। मैम आप पहले अपनी बड़े आसान शब्दों में बताइए कि हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स का क्या मतलब है। मैम इमरजेंसी जो कोड्स हैं ये है इमीडिएट इफेक्ट के लिए, इमीडिएट एक्शन के लिए, बिना कोई पैनिक क्रिएट किए सिचुएशंस पे कंट्रोल पाने के लिए ये जो है इमरजेंसी कोड्स हैं। तो कैसे काम करेगा ये? जहाँ पर भी जैसे हमारे हर वार्ड में एक हूटर लगा है, सेम जैसे ये है, दिस इज़ द बिगेस्ट पैनल, वहाँ पे एक छोटा पैनल है दैट्स कॉल्ड हूटर, जहाँ पे कि इस तरीके के बटन्स लगे हुए हैं एंड दिस 8 कोड्स आर अवेलेबल देयर विद द फ़ोन। तो उसमें क्या होता है कि अगर कभी कोई पेशेंट सिक हो जाता है, फॉर एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट हो जाता है किसी पेशेंट को, तो इमीडिएटली वो लोग, डॉक्टर अगर वहाँ नहीं है, वो किसी दूसरे कैबिन में है या दूसरे वार्ड में है, तो हमारी एक टीम होती है डॉक्टर्स की जो कि इन चीज़ों पे जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करेंगी। दे विल डायरेक्टली प्रेस अ बटन, फॉर एग्जांपल वार्ड नंबर 2 में किसी को कुछ हुआ है, वो हूटर जो रहता है वो वहाँ पे जाके उन्होंने सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ किया तो एक सायरन यहाँ पे बजना शुरू हो जाएगा उस वार्ड से, देन विद इन अ 5 सेकेंड दे विल कॉल अस, हम इमीडिएटली इस सायरन को बंद करेंगे बिकॉज वी हैव टू प्रोसीड फॉर दैट। हमें कॉल आएगी, वी हैव टू पिक अप द कॉल, कॉल पिक करके दे विल गिव अस अ साइन दैट देर इज अ कोड ब्लू, देर इज अ कोड ब्लू, देन वी हैव टू गो हेयर एंड वेयर एवर जहाँ से ये आया है वो जोन सब ऑन कर देंगे। जैसे जोन 1 में वार्ड नंबर 2 है तो दैट विल कम अंडर जोन 1। फिर उसमें क्या होगा कि अगर हम ये सिचुएशन बताना नहीं चाहते हैं तो हम ये कोड्स यहाँ पर बंद कर देंगे, इस जोन्स में बंद कर देंगे। अगर चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं कि कहीं पर भी डॉक्टर हो वो आ जाए, देन इमीडिएटली वी हैव टू से दैट कोड ब्लू इन वार्ड नंबर 2, इट्स इमरजेंसी कोड ब्लू इन वार्ड नंबर 2। इमीडिएटली जो हमारी टीम होगी वो इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाएगी पेशेंट को देखने के लिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है किसी को, देयर विल बी अ टीम एंड दे विल रिसेसिटेट द पेशेंट। कब तक इसको पूरा तरह से अमल में लाया जाए, क्योंकि अभी टीम बननी है, कब तक पूरा? विद इन डेज ये काम जो है वो हो जाएगा, विद इन डेज हमारे में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड जो है ये यहाँ पर बनाया गया है, सिस्टम है। और देखिए यहाँ पर अलग अलग कोड्स बनाए गए हैं, ब्लू कोड, रेड कोड, इसके अलावा भी पिंक कोड है, वायलेट कोड है, यानी कि अलग अलग जो तरीके बनाए गए हैं। और ये सारे स्विचेस जो हैं ये इसी तरह से काम करेंगे, एड्रेसिंग सिस्टम है यहाँ पर। और सर यहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक बेहतरीन कदम माना जा सकता है, खासकर जो गवर्नमेंट सेक्टर है हेल्थ का उसमें, और ये किस तरह से आप समझ रहे हैं कि इसको फ़ायदा किस तरीके से होगा? फ़ायदा जाएंगे हो गया, जो हमारा एक क्रूशियल टाइम होता है, पेशेंट एनी टाइम जब सिक होता है उसके बाद एक विंडो पीरियड होता है उसके पास विद इन 10 मिनट्स, जितनी जल्दी से वहाँ पर इंटरवेंशन हो जाएगी, कुछ जो हमारी रैपिड एक्शन टीम बनेगी डॉक्टर की, जितनी जल्दी वो एक्ट करेंगे पेशेंट की लाइफ सेविंग अच्छी रहेगी। और वहाँ पे जो हमारे इंसिडेंस ऑफ लाइफ सेविंग है वो हम कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा बेहतर होगा। जो हम ट्रांसपोर्टेशन में नीचे इमरजेंसी शिफ्ट करते पेशेंट, वो टाइम बच जाएगा। और हमारी यहाँ पे हर वार्ड में क्रैश कार्ट पड़ा होगा जिसमें हर टाइप की लाइफ सेविंग ड्रग्स प्लस इक्विपमेंट्स होंगे, एम्बू पैक होगा, एंडोट्रेकल ट्यूब होगी, ताकि वो वहीं पर बेड साइड उसको रेसिटेट करके स्टेबल करके देन उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो ये तो एक कोड ब्लू का है, अदरवाइज जो बाकी डिजास्टर वाले हैं दूसरे कोड्स हैं धीरे धीरे उस पर भी हम आएंगे। उससे भी क्या होगा कि एक इमीडिएटली पूरे हॉस्पिटल में इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी
कि ये इंसिडेंस इस वार्ड में हुआ है और एवरी वार्ड वुड बी ऑन अलर्ट एट सेम टाइम। सर जी ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही वर्क करेगा लेकिन जैसे बाकी ऐसे जो है क्या वहाँ पर भी धीरे धीरे इस तरीके एज पर वर्दी प्रिंसिपल ही सही कि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड फेज में भी SMGS और सुपर स्पेशलिटी में शुरू होगा और एट वन टाइम वो सारे हॉस्पिटल इसमें कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये हॉस्पिटल एमरजेंसी कोर्स है, यानी कि कोई ऐसी एमरजेंसी की जो सिचुएशन बनती है उसमें कोई पैनिक ना हो, इसी के लिए इसे यहाँ पर तैयार किया गया। बस कुछ दिनों में ये अपना काम करना शुरू कर देगा और आगे अगर जब वक्त आएगा तो जो बाकी एसोसिएट्स हॉस्पिटल में है उसमें भी इस तरीके का सिस्टम ज़रूर लगाया जाएगा। कैमरा मैन इसमें चलना जब